मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और प्रदेश में करीबन 40 से ज्यादा मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। हरियाणा सरकार किसानों के हित में समय समय पर नई योजनाएं लेकर आती है। इस बार भी किसानों की फसल को सुरक्षित रखा जाएगा, इसके लिए प्रदेश में हर जगह मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया, जिस पर करीब 5,32,00,000 रुपए का खर्च आएगा। वहीं करनाल में 6 मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की शुरुआत हुई है। इन प्रयोगशालाओं में निसिंग में खोली गई प्रयोगशाला राज्य स्तरीय है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा हरियाणा सरकार की, हर खेत स्वस्थ हो, उस कड़ी में ये मतलब प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। इसके अलावा 2 प्रयोगशालाएं और खोली जाएंगी। इससे क्या होगा, जब जो टेस्ट कराने का जो डिस्टेंस है किसानों का, वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब उनको अपने हल्के में ब्लॉक में ही सुविधा मिल जाएगी। इस सुविधा के मिलने से किसान जो है, अब मिट्टी का जो टेस्ट हो जाएगा, पानी का टेस्टिंग हो, उस हिसाब से वो अपने खाद जो डालता है बाद में उसको वो निर्णय ले पाएगा, कितना ऑक्सीजन डालना है, कितना नाइट्रोजन डालना है, तो वो मिट्टी का जो टेस्ट होगा वो बताएगा। इससे जो है उनका कहीं ना कहीं उसमें खाद में बचत होगी, उनका फायदा लाभ भी होगा, और उससे जो उनको उत्पादन बढ़ेगा। जब किसान को उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगा, जब उसको रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, जब रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। वही पलवल में भी जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक दीपक मंगला और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सोइल टेस्ट जांच के लिए हमारे जो स्कूली कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, वो भी जाकर के सोइल टेस्ट करने में सहयोग करेंगे, और उनको सरकार की तरफ से 40 रुपये प्रति एकड़ की हिसाब से मानदेय भी मिलेगा। और आगे सरकार की ये भी योजना है, जो हमारी कॉलेज स्कूल और स्कूलों में जो हमारी केमिस्ट्री की लैब हैं, उनमें भी सोइल टेस्ट लैब बने और उनमें भी किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच हो। यह बहुत कल्याणकारी योजना हमारी सरकार की आई है। वहीं सिरसा में भी 5 प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया। सिरसा के लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रखे। वो हमारी काला वाली डी और रानिया जिले में टोटल जो कुल लागत जो इस पर लगी है वो 1,17,00,000 की लागत लगी है। देखिए, हमारे जो बेसिकली जो सिरसा ज़िला है वो एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ किसान है हमारे यहाँ पर। तो देखने में ये आया है प्राय रूप से जो हमारी जो सॉइल की हेल्थ है और जो क्रॉप वहाँ पे उगती है, तो सॉइल की जो हेल्थ है वो बड़ी पैरामाउंट होती है। हर एक किसान को अपनी जो फसल उगाता है उसको पता होना चाहिए कि सॉइल को जरूरत किस मात्रा में, पोटेशियम कितना चाहिए, सोडियम कितना चाहिए, नाइट्रोजन कितना चाहिए। अगर ये जानकारी उसके पास में होगी तो जो फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग है वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीय है। जाहिर तौर पर इन मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं के खुलने से लाभ होगा और किसान अपनी फसल का उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे। हिमांशु नारंग करनाल, दिनेश कुमार पलवल, नकुल जसूजा सिरसा, खबरें अभी तक।